वेलकम यूल्सो विद अ पंडित सब्सक्राइबर्स आई होप यू ऑल आर वेरी वेल नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंजाइना होता क्या है एंजाइना पैक्टोरिस एं एंटी एंजाइनल ड्रग्स हम लोग एंजाइना पैक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए देते हैं तो एंजाइना पैक्टोरिस में क्या होता है इट इज़ अ सीवियर सफोकेटिंग पेन इन द चेस्ट यूजली सब्सटर्नल रीज़न सब्सटर्नल रीज़न में बहुत सीवियर एक्यूट टाइप का पेन होता है चेस्ट पेन दो कि मतलब ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है इट इज़ सीवियर सफोकेट एंजाना पैक्टोरिस इम्बेलेंस बिटवीन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई इन ईशमिक एरिया ऑफ द मायोकार्डियल मतलब जितनी जरूरत होती है हमें उतना सप्लाई नहीं पहुंच पाता ऑक्सीजन का फिर एंटी इंजेनल ड्रग्स क्या करती है दे इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियम बाय डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरी। ये ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाती है मायोकार्डियम तक ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देती है बाय डिक्रीजिंग द मायोकार्डियल डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय डिक्रीजिंग द वर्क ऑफ द हार्ट टाइप्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस तीन टाइप के एंजाइना पैक्टोरिस होते हैं स्टेबल अनस्टेबल और वेरिएंट जो स्टेबल पेन होता है द चेस्ट पेन ड्यू टू एक्सरसाइज मील्स इमोशन इट अकर ड्यू टू फिक्स्ड एद्रोमेटस स्टेनोसिस इन द कोरोनरी वेसल्स जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है खाना खा रहा होता है या फिर को, मतलब इमोशंस में इमोशंस कुछ फील कर रहा है वो तो उस टाइम हमें स्टेबल टाइप का एंजाइना पैक्टोरिस होता है नेक्स्ट इज अनस्टेबल इट इज़ द रिकरेंट अटैक ऑफ एंजाइना अकर ड्यू टू द प्रोग्रेसिव ऑफ़ कोरोनरी वेसल और ड्यू टू रपच्चर ऑफ प्लेग एसोसिएटेड विद द वेजोस्पासम इट अकर इवन एट रेस्ट जब बंदा रेस्ट पे होता है इसको वो पेन इसको तब भी होता है वेरियंट वाला क्या होता है कि जब बंदा सो रहा होता है पेन अपियर एट रेस्ट और ड्यूरिंग स्लीप ड्यू टू तो लोकलाइज्ड कोरोनरी वेजोसपासम फिर हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की तो यहाँ पे हमने लिखी है क्लास ऑफ ड्रग्स और इधर हम लिख रहे हैं कि ड्रग्स तो जो क्लास ऑफ ड्रग्स में हमारे पास सबसे पहले आती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट एंजाइनल ट्रैक्ट इसके लिए हम लोग ना हाइट्रेट्स देते हैं दो टाइप के होते हैं शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट टाइप में आते हैं ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट और लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं आइसोसोर डाइनाइट्रेट फॉर क्रॉनिक एंजाइनल अटैक के अंदर हम लोग लॉन्ग एक्टिंग टाइप के नाइट्रेट्स देते हैं जिसमें ड्रग्स आती हैं आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट एरिद्राइटिल टेट्रानाइट्रेट पेंटा एरिद्रिट्राइल टेट्रानाइट्रेट इसके अंदर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं जिनके पीछे लोल लगता है फॉर एग्जांपल प्रोपेनोल एटिनोलॉ लेबिटोल, बीटा ब्लॉकर्स के पीछे लोल लगता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देते हैं तो जनरली हम लोग नाइट्रेट्स देते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स में नाइट्रेट्स क्या होती हैं दे आर शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट दे हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट द ऑन सेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन क्या होता है नाइट्रेट एक प्रोडक्ट टाइप की होती है तो मतलब पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी होती है नाइट्रेट ये कब एक्टिव होती है दे एक्टिव इन फॉर्म ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एंजाइम्स नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट ऑन द स्मूथ मसल फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल पे एक्ट करते हैं दे रिलैक्स द स्मूथ मसल coronary dilation and decrease the total peripheral resistance, which reduce the preload and afterload, decrease myocardial workload as well as myocardial oxygen demand. Okay. Firata pharmacokineticum pharmacokinetic absorbed by oral route by first-pass metabolism over bioavailability is poor sublingual 0.5 mg is preferred in emergency for early vector nitrate have good liquid solubility available in orally lingual spray parenteral ointment and transdermal patches also इंडिकेशन मतलब यूजेस हम इसको किस किस में देते हैं एंजैना पैक्टोरिस में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कोरोनरी एनजियो विद स्टंट कोरोनरी बाईपास सर्जरी कंसीडर्ड इन हाई रिस्क पेशेंट एम आई माओकार्डियल इन्फॉक्शन कोरोनरी हार्ट फेलियर एक्यूट वेंट्रिकुलर फेलियर बिकॉज डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड साइनाइड पॉजनिंग में भी देते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं सोडियम नाइट्रेट टेन एम एल ऑफ थ्री परसेंट सोल्यूशन आई वी इज गिवन एंड सोडियम टी एच आई थायोसलफेट फिफ्टी एम एल ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट सोल्यूशन आई वी मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है जो हीमोग्लोबिन होता है हमने सोडियम नाइट्रेट दिया तो उसने सोडियम नाइट्रेट के साथ मिला के मिथेनोग्लोबिन बनाया वहाँ से वो साइनोमिथेनोग्लोबिन बना सोडियम थायोसल्फेट ने एक्ट किया तो मिथेनोग्लोबिन प्लस सोडियम थायोसाइनेट दो चीज़ें अलग अलग बन गई है और फिर वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू ये थी एंटी एंजाइनल ड्रग्स थैंक यू